लो जी दोस्तों, फिर से एक नई सुबह और फिर से हमारा वही काम शुरू होगा आज, खाद बिखेरने का। और ये पर भी आ गए हैं भैया, उठाकर गेट उठाकर। तो बस चलते हैं पसा वाले फार्म पर, खाद कट्टे लेकर। साइकिल पर रख लेंगे कट्टे, थोड़े से मतलब दूर है वो, सिर से जाने में परेशानी पड़ती है। तो साइकिल साइकिल निकालना है, साइकिल पर रखकर मतलब कट्टे ले जाएंगे। साइकिल में हवा कम है तो इसमें मतलब सुरेश डाल लेंगे। अरे सुरेश को क्या झुकना पड़ रहा है भाई लंबाई ज्यादा है सुरेश की तो ये मतलब इसमें हवा डाल देंगे। हाँ बाल लीक कर रहा है थोड़ा सा। इसमें दो कट्टे रख लेंगे, एक अंदर कैची में रख लेंगे, एक इस पर रख लेंगे। और आराम से मतलब ले जाएंगे पसा वाले फार्म पर। और वहाँ पर बिखेरने का प्रोसेस है वो शुरू है। बस मात्र 3 कट्टे रखना है यहाँ पर, बाकी और कट्टा लाएंगे। आज एक कट्टा ले आए हैं, उसे पहले कैंची में रख लेंगे। पकड़ोगे साइकिल? एक ये आगे से और एक पीछे रख लेंगे वहां पर। एक कट्टा ये वाला ला रहा हूँ, दूसरा जो कि ना ऐसे रख दो। हाँ ऐसे आ जाएगा आराम से। इस तरफ सुरेश मतलब इसका लॉक लगा रहे हैं और इस तरफ ये भैया बाइक का लॉक लगा रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा, क्लॉक में लगाओ। लो जी कर दी शुरुआत जाने की आराम से जाइए सुरेश, मैं भी चलता हूँ साथ साथ, तो पीछे पीछे चलता हूँ। बन जाएंगे पसा वाले फार्म पे 5 मिनट में। आ गए हैं रोड पर और बढ़ रहे हैं आग की तरफ। और यहाँ से भैया ये पानी भर लेंगे भैया। रामा मंदिर पे से नल है यहाँ पर, यहाँ से भैया पानी भर लेंगे। तब तक सुरेश और हम चल रहे हैं पसा वाले फार्म पर। बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और आ गए हैं इस वाले कच्चे चक्रोड पर। इस पर टर्न हो गए, बारिश की वजह से ये चक्रोड खराब हो गया थोड़ा सा, तो सुरेश को मतलब परेशानी पड़ रही है, कम जगह में निकालनी पड़ रही है साइकिल। और इस तरफ ताऊ जी आ गए हैं अपने गांव से, वो उनके कपड़े रखे हुए हैं, खाना भी रखा हुआ है। शायद उस तरफ से मतलब नराई कर रहे हैं, उड़द में जो घास हो गई है वो हटा रहे हैं, उखेड़ रहे हैं उसके लिए। और हम आगे की तरफ, लो जी आ गए हैं पछा वाले फार्म पर। और यहाँ से ही मतलब शुरुआत होगी खाद बिखेरने की, यहाँ से ही छोड़कर बाकी इस तरफ खाद लग गया पूरी में, बस यहाँ से रह गया, यहाँ से मतलब शुरुआत करेंगे। और सुरेश ने साइकिल वहाँ पर रुकी है, बीच में ले जाकर आधा पोर्शन घर रह जाएगा, आधा पोर्शन घर रह जाएगा। A few moments later. खाद कट्टा खोल लिया है और एक झोली में ये खाद कर लिया है, दूसरी झोली में करने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि सुरेश अपना वो जो अंगोछा होता है वो बांध रहे हैं चेहरे से, ताकि ईख में छिले नहीं। दस्ताने भी पहन लिए, दोनों झोलियों में बराबर बराबर मात्रा में खाद हो गया है। सुरेश अंदर जा चुके हैं खाद लगाते लगाते, वो है ये देखो। तो बस आज पूरे दिन भर यही प्रोसेस रहेगा खाद लगाने का। तो एक कट्टा और रह गया ट्यूबवेल में, तो वह जल्दी खाद में बढ़ जाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा खाद की शॉप पर और वहाँ से खाद लेकर आना पड़ेगा। तो ठीक है, बिना बिखेरने देते हैं, मैं पापा जी को फ़ोन कर देता हूँ और मैं घर जाकर मतलब रेडी होकर जाता हूँ खाद की शॉप पर, और एक ई रिक्शा भर के फिर से लेकर आता हूँ खाद के लिए। यहाँ पर पापा जी आ गए हैं और ये लोग अपनी झोली में खाद भर रहे हैं। तो ठीक है, मैं चलता हूँ खाद लेने के लिए और एक ई रिक्शा भर के लाता हूँ खाद के लिए, वो कि मतलब जो गोहानी फार्म है मतलब उसमें डलवाएंगे। तो निकल रहा हूँ यहाँ से और बस ब्रेकफास्ट नहीं किया था मैंने आज, लेट उठा था काफ़ी, करीब 8 बजे उठा था। तो 8 सवा 8 बजे तक मतलब फार्म हाउस पर पहुँचा, तब तक ये वेट कर रहे थे वहाँ पर। तो ब्रेकफास्ट कर लूँगा जाकर और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद खाद लेकर आता हूँ। चलो जी निकल आया हूँ घर से और बस बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ, पहुँच जाऊँगा करीब 15-20 मिनट में, मतलब वापस आ जाऊँगा खाद लेकर। तो बस पहुँच रहा हूँ हाईवे पर आने वाला, ये सामने हाईवे है हमारा, आ गया हूँ हाईवे पर, बस पहुँच रहा हूँ। A few moments later. बैंक का काम हो गया है और अब चलते हैं खाद की शॉप पर। आ गया हूँ खाद की शॉप पर और यहाँ पर हमारी ई रिक्शा आने वाली है, भाई साहब ने फ़ोन कर दिया था तो मतलब वो आ रहे हैं, यहीं पर बाहर अपनी सवारी लेकर गए हैं। तो जैसे वो सवारी मतलब ड्रॉप करके आएंगे, वैसे ही मतलब यहाँ पर आकर और कट्टे लेकर हम पहुँचते हैं और पहुँचते हैं मिलते हैं फार्म। हमारी ई रिक्शा थोड़ी सी लेट है, तो तब तक मैं चलता हूँ फार्म हाउस पर ही, वहीं पर ही मिल लूँगा। और मैंने यहाँ मतलब बोल दिया है
ये मतलब ई रिक्शा में मतलब 10-12 कट्टे भर के मतलब भेज देंगे। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। बाकी बहुत सारे ई रिक्शा खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन जो वो हैं मतलब इनके जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो अपने आप को भरते हैं और अपना आप ही उतारते हैं, तो उनसे ही ले जाने में मच बेटर है। तो ठीक है, पहुँचते हैं फार्म हाउस पर। ई रिक्शा वाले भैया का फ़ोन आ गया है, तो वो मतलब वहाँ से चल पड़े हैं, तो मैं पहुँच रहा हूँ फार्म हाउस पर और वहीं पर मिल जाऊँगा। और जो चाबी है, चाबी ले ली मैंने, टूल में खादे कट्टे हैं वो रखवा देता हूँ। तो पहुँचता हूँ फार्म हाउस पर। गलियाँ सुनी सुनी हैं, बच्चे नहीं हैं, सारे बच्चे मतलब स्कूल जा चुके हैं और जो लोग हैं वो खेतों पर हैं, कोई कहीं पर गया, कोई कहीं पर गया। बस यही है, छोटा सा गांव है हमारा। लो जी, ये अपना ही मतलब है, इसमें स्टोर रूम है ये सब पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक इसमें सब कबाड़ खाना इसमें भरा पड़ा है और सामने वाले में मतलब भूसा है। आ गया हूँ फार्म हाउस पर और वेट कर रहा हूँ, इधर से ई रिक्शा आएगी, तो अभी नहीं आई है, तो बस थोड़ा सा वक्त लगेगा उन्हें। ई रिक्शा करीब 5 मिनट ले लेती है वहाँ से यहाँ तक, जबकि बाइक में 2-3 मिनट में मतलब आ जाती है। लो जी, ई रिक्शा आ चुकी है, मैं दिखाता हूँ सामने से, वो आ रही है। ये किसी काम में फंस गए थे तो इस वजह से मतलब उस वक्त नहीं मिल पाए थे, तो अपनी सवारी उतार कर आए थे, तो बस अब आए हैं, सारे कट्टे ले आए हैं। लो जी, अभी हमारी रिक्शा, अभी कट्टे अंदर हो गए हैं टूबल में, भैया ले जा रहे हैं अंदर, मैं उठवा रहा हूँ वहाँ से ई रिक्शा से, तो बस यहाँ पर हम अंदर लगवा देते हैं, लगा देंगे। अभी 6-7 कट्टे रह गए हैं, ये भी डाल देंगे धीरे धीरे करके, मात्र 2 कट्टे रह गए हैं और बस इन्हें भी डाल कर ये चले जाएंगे। और उनका लंच टाइम भी होने वाला है सुरेश वगैरह का, तो बस वो आने वाले हैं और लंच वंच करने के बाद फिर मतलब ये बिखेरने का प्रोसेस शुरू होगा। लो जी, आखिरी कट्टा भी मतलब उतार दिया है और वो ले जा रहे हैं भैया, रखवा दूँगा अंदर। सारे कट्टे अंदर आ चुके हैं और सुरेश का और उनका मतलब लंच टाइम हो गया है, वो आ रहे होंगे पास वाले फार्म से, जो इस सारे कट्टे यहाँ लगते हैं। आने वाले फार्म पर हूँ और इस तरफ से देखो कितनी काली घटाएं आ रही हैं, ये देखो कितनी काली काली घटाएं आ रही हैं और बारिश होने के आसार हैं काफ़ी। ये देखो ये बदरी है, मतलब ये काफ़ी बड़ी बदरी है और बाकी मतलब इस तरफ नीला नीला आसमान है, इधर कोई बादल नहीं है। इस तरफ देखो, इस तरफ थोड़े से बादल हैं और ये बादल ज़्यादा ही हैं, ज़्यादा काले काले आ रहे हैं। तो पुरवाई चल रही है, तो ये बादल मतलब इस तरफ पश्चिम में उड़ जाएंगे, तो देखते हैं पता नहीं कहाँ जाकर बरसेंगे ये लेकिन अच्छा लग रहा है नज़ारा। आज ये इरिगेशन डिच साफ की है पूरी और इस तरफ आगे की तरफ मैं लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पर ही बच्चे घास काट के ले जा रहे हैं फार्म पे से, ये देखो ये इरीगेशन डिच साफ हो रही है, इधर से को इधर से निकल जाएंगे गाँव को और ये इरीगेशन डिच साफ हो चुकी मतलब हो चुकी है, लगभग लगभग अंदर साफ कर रहा है। पापा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, घास काफ़ी है इस तरीके से, ये बेल आ गई है इस पर, ये इसमें स्प्रे करवा देंगे, काफ़ी घनी ईख है और इसकी जड़ दिखने लगी इसलिए स्प्रे करा देंगे। ये देखो